स्वागत है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने YouTube पे वीडियो देखा था, इडली एकदम स्पंजी बनी है, व्हाइट बनी है। वो रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई थी और उसके इंग्रेडिएंट्स भी कुछ अलग लगे मुझे, तो वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सोचा अगर मुझे वो बनाना ही नहीं है तो क्यों ना मैं आपके साथ वो बना लूं। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स मैंने क्या क्या लिए हैं। जैसा कि वीडियो में बताया गया था, हमें चार ग्लास चावल लेने हैं। तो मैंने इस ग्लास के मेजरमेंट से मैंने चार ग्लास चावल लिए हैं। मैंने एक ग्लास उड़द दाल ली है और आधा ग्लास मैंने साबूदाना लिया है। ये बहुत नया इंग्रेडिएंट है और ये मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं ये रेसिपी फेल होती है या पास होती है। तो ये सारी चीजें हमें धो के भिगोना है 5 से 6 घंटे के लिए। ये भी हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर गर्मी के दिनों में हम बनाते हैं तो 5 से 6 घंटे इनफ हो जाते हैं। अगर ठंडी के दिन है, ठंड है, तो हम पूरा दिन ये रख सकते हैं। तो चलिए इसे हम धो के भिगोते हैं। अब मैंने ये धो के भिगो लिए हैं। अब मैं इसे धूप में रखूंगी। अब मैं सुबह में इसे भिगोया है, मैं शाम तक धूप में रखूंगी और शाम में इसे पीस लूंगी। तो दोस्तों ये साबूदाना वाला आइडिया मैं भी पहली बार देख रही हूँ और ये मैं यूज कर रही हूँ। इससे पहले मैं मेथी दाना है, पोहा है, वो यूज करके मैं इडलियां बनाती थी, लेकिन ये कुछ मुझे नया दिखाई दिया तो मैं इससे बना रही हूँ। अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। तो इस तरह से मैंने इसे धूप में रख दिया है। आप जिस तरह से ये हमेशा इसको भिगोते हैं और रखते हैं उसी तरह से आप रख सकते हैं। 8 घंटे बाद मैंने इसे लिया है पीसने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे तरह से फर्मेंट हुए हैं। अब इसे मैं एक एक करके पीस लेती हूँ। सबसे पहले मैं उड़द दाल है ये पीस लूंगी। अब ये दाल पीस ली है। अब मैं ये साबूदाना और चावल एक साथ मिला के इसे पीस लूंगी। दोस्तों जो भी पानी ऐड करना है अभी पीसते समय ही ऐड करना है, बाद में पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे और सुबह भी हम जब आटा फूल जाता है तब भी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, तभी ये इडलियां अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं ये जो पीसा हुआ है मैंने चावल का, ये कितना अभी से सफेद लग रहा है, व्हाइट लग रहा है। बाकी बचे चावल इसी तरह से मैं पीस लूंगी और इसमें डाल के एक बैटर तैयार कर लूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मुझे पसंद आया था YouTube पे, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ और पहली बार बना रही हूँ। इस तरह से मैंने पूरा पीस लिया है चावल और दाल और साबूदाना। दोस्तों ये रेसिपी मेरी नहीं है, मैंने वीडियो पे देखा है, मुझे पसंद आई इसलिए मैं ये बना रही हूँ। हम देख लेंगे सुबह ये कैसे हो जाता है, क्योंकि ना इसमें खाने वाला सोडा ऐड होने वाला है
और ना इसमें मेथी दाना और पोहा कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो हम देख लेंगे। बस इसमें एक ये बताया गया था कि जब हम पीस पीस के रख रहे हैं इसे रात भर, तो नमक तभी ऐड करना है, तो मैं अब नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। इस तरह से हमें इसे पूरी तरह से मिला के ढक के इसे रात भर रखना है और सुबह मैं इसकी इडलियाँ बनाऊंगी। तो दोस्तों ये रात भर फर्मेंट हुआ है और अब मैं देख रही हूँ तो ये अच्छा खासा डबल हो गया है। ये बहुत नीचे था ये बैटर, अभी ये डबल साइज में आ गया है, तो इसकी हम इडलियाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम हर बार इसे तेल से ग्रीस कर लेते हैं, अब हमें हम क्या करते हैं हर बार इसे हम जब फूल जाता है आटा तो ये बैटर हम हिलाते हैं। ये अगर फूला है और मैंने रात में ही इसमें नमक डाल दिया है तो इसे हमें हिलाना नहीं है या मिक्स नहीं करना है। इसी तरह से हम इसे उठाएंगे और इडली प्लेट में डालेंगे। हमें इसी तरह से डालते जाना है, बस ये ध्यान रखिए कि आपको बैटर हिलाना नहीं है। तो इस तरह से मैंने पूरे प्लेट में इडली बैटर डाल दिया है, अब हम इसे इडली कुकर में रख लेंगे। मैंने यहाँ पे पानी उबालने के लिए रखा था, पानी अच्छे से उबला हुआ है, तो इसमें मैं प्लेट रख रही हूँ। इसे हमें 10 से 15 मिनट तक रखना है। तो अभी तक जो मैंने रेसिपी देखी थी वीडियो में उसी तरह से सब कुछ जा रहा है, हम देखेंगे ये अब इडलियां कैसे निकलती है। अब मैं इसे खोल के देख लेती हूँ इडलियां कैसे बनी है। इडलियां जो है बहुत स्पंजी बनी हुई है, जैसे हमारा केक रहता है उसी तरह से स्पंज इसमें बना हुआ है, जो कि पहले कभी मेरे इडली में नहीं बनता था। तो ऑफ कोर्स ये रेसिपी तो बढ़िया है, अच्छी है और पॉजिटिव रिमार्क देना चाहिए। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ तो इसका स्पंज देखिए कितना अच्छा बना है, और ये बहुत लाइट वेट है और बहुत बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रही है। तो सच में ये वीडियो अच्छा लगा मुझे भी। तो इस तरह से दोस्तों ये रेसिपी मैंने YouTube पे देख के ट्राई की है और मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इडलियां बहुत ही लाइट हुई है और बहुत ही अच्छी हुई है। तो ये रेसिपी मैं बार बार इसी रेसिपी को मैं ट्राई करूंगी और इसी इंग्रेडिएंट से मैं आगे इडलियां बनाती जाऊंगी। तो ये मेरा रिव्यू आपको कैसे लगा ये मुझे बताना, और आप भी ये रेसिपी है वो घर पे ट्राई करना। तब तक के लिए खाइए, खाते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। बहुत अच्छी बनी है मम्मी। थैंक यू, बाय बाय। से बाय 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 बाय।